मैं तरस गया JNU में तुलसीदास पर कुछ कहने और बोलने के लिए। वहां साहित्य सिद्धांत ही पढ़ाता रहा और शोभा जी थी, वो आमतौर से मध्यकाल की विशेषज्ञ के रूप में थी, तो आमतौर से तुलसीदास पर उनका कब्जा था। JNU में तो कभी तुलसीदास को कहने का मौका मिला नहीं। ये अजीब विडम्बना है कि बनारस में, एक तो बनारस का रहने वाला जहाँ के तुलसीदास थे, उसमें भी रहने के लिए जब विश्वविद्यालय में नौकरी शुरू की तो तुलसी घाट के पास ही मुझको किराए का मकान मिला और वो शहर जहाँ विश्वविद्यालय था वहाँ आमतौर से तुलसी बनारस में रामलीला जगह जगह हुआ करती थी, एक जगह नहीं होती थी। तो जैसे कबीर और तुलसी दो बनारस की विभूतियां हैं और मेरे गुरुदेव ने कबीर पर तो लिखा लेकिन तुलसी पर नहीं लिखा। और चूंकि मैंने कहा कि उस शहर में रामलीला हुआ करती थी जहां रहता था मैं, तो तुलसी घाट के पास ही मुझे मकान मिला और उस शहर में जगह जगह रामलीला, अलग अलग रामलीलाए, न कटैया में, न कटैया का दृश्य जो था वो बनारस में एक जगह होता था, भरत मिलाप कहीं और होता था, रामनगर सामने घाट पर था तुलसी घाट के, तो वहां लीलाएं होती थी। तो तुलसीदास आमतौर से कुवार के महीने से लेकर के आगे भी जगह जगह रामलीलाएं होती थी, तुलसी की कथा होती थी, अनेक कथावाचक हुआ करते थे। उस वातावरण में पले होने के बावजूद, जैसा मैंने कहा कि मुझे दुख था कि कहीं तुलसीदास को पढ़ाने का मौका मिले, लंबे अरसे से पढ़ता रहा हूँ बाबा तुलसीदास को। गुरुदेव से हमारे बात हुई कि आपने कबीर पर लिखा और तुलसी पर लिखना चाहते थे, अंतिम दिनों में उनका कुछ लेख भी थे, उन्होंने कहा था कि तय किया था कि मैं लिखूंगा, लेकिन जिस समय उन्होंने तय किया लगभग अंतिम दिनों में कुछ निबंध लिखे उन्होंने, कुछ व्याख्यान भी दिए लेकिन लिखा नहीं। तो इस बहाने सोचा कि यह एक ऋण है तुलसीदास का हमारे ऊपर, उनके मोहल्ले में रहना, बनारस में रहना। तुलसीदास यानी काशी की दो विभूतियां कबीर और तुलसी, और दोनों राम के, कबीर के अपने राम थे, तुलसी के अपने राम थे। और तुलसी के व्यक्तित्व के बारे में एक भ्रम है लोगों को, कबीर के बारे में तो है कि अक्खड़ और फक्कड़ थे जैसा हमारे गुरुदेव ने लिखा है, लेकिन तुलसी स्वयं क्या थी, उनका जो व्यक्तित्व था तुलसी का, लोग समझते थे बड़े विनम्र आदमी थे, राम भक्ति जैसे रहे होंगे। पढ़ते समय कबीर के व्यक्तित्व के से कहीं ज्यादा तुलसी का, क्योंकि बहुत विरोधों का सामना करना पड़ा था तुलसी को, संघर्ष करना पड़ा था, इस बात को लोग भूल जाते हैं। वो काशी में सरवाइव कर गए, उनकी कृतियों को आप जब पढ़े तो लगा कि कितना संघर्ष करना पड़ा था तुलसी को। ये तुलसीदास हैं, धूत कहो और धूत कहो, रजपूत कहो, जोलहा कहो, कोऊ काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जात बिगारण सो। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचै सो कहे को तो, हो मांग के खैबो मसीब को सोईबो। ध्यान देखे मसीब,
मांग को खैबो मसीद को सोईबो, लेवे को एक न देवे को दो। क्या कबीर ये कहेगा इस तरह की आवाज, मांग के खैबो मसीद को सोईबो, लेवे को एक न देवे को दो। और बहुत संघर्षों से गुजरना पड़ा था, कबीर से ज्यादा संघर्ष तुलसीदास ने बनारस में किया था। कुछ तो बात रही होगी, भागीरथी जलपान करो और नाम दो राम के लेत चिरैहौ निदैहौ, मोको न लेबो न देवो कछु करो करी भूलि न रावरो और चितैहौ। कलिकाल के खिलाफ कर रहा है, कलिकाल कलयुग नहीं है, कलिकाल के प्रतीक जो समाज है। और मांग पानी के जोर करूं प्रणाम, तुम्हें पछताई हूं पर मैं नहीं भीतई हूं, ब्राह्मण जो गले उर गारित हो करे तेरे हितई। कलिकाल कोई चुनौती दे रहे हैं कि ब्राह्मण ने, जैसे ब्राह्मण को गरुड़ ने खा लिया था, लेकिन इतनी अग्नि ब्राह्मण में थी कि वो कर नहीं, गरुड़ निकल नहीं सके उसे। ब्राह्मण जो उगले उर्गारी, अंत में वो जैसे ही ब्राह्मण को उन्होंने निगल लिया तो आग जैसे उसके दिल में धार लगी। तो ब्राह्मण जो उगले उर्गारी, गरुड़ ने उनको निगल लिया था, जो कल तेरे हिते नहीं थे उनको पचा नहीं और उगल देना पड़ा। ये तुलसीदास है, निरार राम का नाम लेते हुए उन्हीं की पंक्तियों में से कह रहा हूं कि राम के नाम ते हो सो हो, न सो न सो हिये रसना न कहो कहो हाओ, कियो न कछु करिबो न कछु कहिबो न कछु मरिबो रहो। इसलिए उस समाज में रहते हुए तुलसीदास को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। आज लोग भक्त हैं, राम की कथा कहते हैं, लेकिन कबीर से ज्यादा संघर्ष उसी काशी में तुलसी को करना पड़ा था। इसलिए तुलसीदास की एक छवि जो बनाई गई है, उनकी रचनाओं को पढ़ने से मालूम होता है कि तुलसीदास की वो निर्मित छवि कुछ भिन्न है कबीर, एक तरह से कबीर और दूसरी ओर तुलसीदास, वर्षों का अंतराल है, लेकिन दोनों को संघर्ष करना पड़ा था। विडंबना यह है कि एक तो जुल्हा था और दूसरा तो ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को भी, गरीब ब्राह्मण को संघर्ष करना पड़ा था। इसलिए कबीर किस तरह ही मैं समझता हूं कि दो विभूतियां जो काशी की रही है, एक ओर कबीर और दूसरी ओर अभिषेक। विडंबना है कि हमारे मित्र विजय देवनारायण शाही कभी चौरा पर रहते थे और मैं तुलसी घाट पर रहता था। कबीर पर तो उन्होंने कविता लिखी है, बोले भाई तुलसी के बारे में तुम ही कुछ कहो, लिखो, ये तुम्हारे जिम्मे है। ये दो बड़े कवियों को काशी की पूरी मंडली में, ये बावजूद इसकी है कि उस काशी में जगह जगह रामलीलाएं होती थी जैसा मैंने कहा उन दिनों में, लेकिन कुल मिला करके लीलाएं तो होती रहती थी, लेकिन स्वयं तुलसी को संघर्ष करना पड़ा था। तुलसीदास के बारे में मैं समझता हूं कि, मैं देख रहा था एक तुलसी शब्द सागर बना हुआ है, इलाहाबाद से छपा है, हिंदुस्तानी एकेडमी ने छपा था, क्योंकि माता प्रसाद गुप्त ने तुलसीदास पर काम किया है, वहां बनारस में नहीं हुआ, लेकिन माता प्रसाद गुप्त ने इलाहाबाद में तुलसीदास पर काम किया। तुलसी शब्द सागर आप पढ़ें तो अकेले तुलसीदास, शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि तुलसी, अंग्रेजी के जितने शब्दों का प्रयोग शेक्सपियर ने किया है दूसरे किसी कवि ने या नाटक टकाट ने नहीं किया है। तुलसी की शब्द संपदा इतनी समृद्ध थी और जितनी भाषाएं वो जानते थे, अगर रामचरितमानस ही नहीं बल्कि और ग्रंथों को आप पढ़ें तो, संस्कृत तो बहुत अच्छी जानते ही थे क्योंकि रामचरितमानस के हर सर्ग का आरंभ संस्कृत श्लोक से हुआ है।
लेकिन अरबी और फारसी के और तुर्की के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। शायद ही हिंदी के किसी कवि ने उतने शब्दों का प्रयोग किया हो। 22,000 शब्द लगभग उस कवि ने इस्तेमाल किए हैं। अगर इसलिए शब्द संपदा का जो पता चलता है कि एक आदमी शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि उसने जितने अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया है उतने मिल्टन और किसी कवि ने नहीं किया है, किसी नाटककार ने किया है। इतनी शब्द संपदा उन्होंने हिंदी को दी। और इस शब्दों की संपदा में पूरी सूची बनाई जाए तो देखा जाए कि कितने अरबी और फारसी के शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, हिंदी संस्कृत छोड़ दिए तुर्की के शब्दों का प्रयोग किया है, वो दिया हुआ है। किसी कवि के महत्व को जांचने का एक तरीका ये भी है कि उसने कितने शब्द किसी भाषा को दिए है जिसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं गया है। मानस में रामचरित मानस है तो मानस में घाट होते हैं, सीढ़ियां होती हैं उतरने के लिए, चढ़ने के लिए, जैसे गंगा में सीढ़ियां हैं। तो उन्होंने रामचरित मानस को लोग कांड कांड कहा, क्या करते हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, उत्तरकांड, नहीं है कांड। जब मानस है तो उसमें घाट होंगे, में सीढ़ियां होंगी। इसलिए हिंदी में इतने लोग भी भूल गए हैं, अब अयोध्या कांड, बाल कांड वगैरह कांड कहते हैं, उन्होंने सोपान लिखा है, सीढ़ियां हैं मानस में उतरने के लिए, चढ़ने के लिए। लोग हिंदी वाले यह भी भूल गए हैं कि रामचरितमानस में बालकांड वगैरह जो है वाल्मीकि रामायण में है, हिंदी में कांड नहीं है, सोपान है, सीढ़ियां हैं, क्योंकि मानस है और मानस में सीढ़ी होगी। तो कुछ तो ये जानकारियां हैं जिनकी ओर ध्यान देना चाहिए। अलावा इसके जैसा मैंने कहा कि अकेला एक कवि है जो हिंदी में उस समय की काव्य भाषाएं दो थी, एक अवधि जिसकी नींव जायसी ने डाली थी और ब्रज जिसके पहले बड़े कवि थे सूरदास। प्रचलन ब्रज का ही ज्यादा हुआ क्योंकि केंद्र आगरा और दिल्ली के होने के कारण ब्रज का प्रदेश था। इन दोनों भाषाओं पर समान अधिकार, दोनों में उन्होंने काव्य लिखा। रामचरितमानस तो उन्होंने अवधि में लिखा लेकिन कवितावली जो है वो ब्रज में है। स्वयं रहने वाले वो ब्रज के नहीं थे लेकिन जरूरी समझा उन्होंने कि अवधि और ब्रज दोनों ही दो आंखें हैं, इसलिए मानस तो उन्होंने अवधि में लिखा लेकिन कवितावली पूरी की पूरी ब्रज में लिखी उन्होंने। और दोनों भाषाओं पर समान अधिकार हिंदी में और किसी कवि का नहीं है। जायसी का अधिकार अवधि पर था, सूरदास का ब्रज पर था, इसलिए जायसी और सूरदास पहले हो चुके थे, उसके बाद उन्होंने जरूरी समझा कि इन दोनों भाषाओं पर हिंदी की दोनों आंखें हैं और दोनों पर लिखे, जिसकी ओर ध्यान तुलसी के महत्व पर कि दोनों पर समान अधिकार था, सब संपदा उनकी इतनी समृद्ध थी। उन्होंने चौपाई दोहा पे लिखा, संस्कृत में भी लिखा लेकिन छंद अलग अलग बीच में आते हैं। और हरिगीतिका छंद जिसके आचार्य आधुनिक युग में आकर के बाबू मैथिली शरण गुप्त हो गए थे, मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में पूजे हमारी भारती, छंदों की विविधता। बरवय छंद ठेठ अवधि का है और बरवय रामायण लिखी उन्होंने, तो इतने छंदों पर अधिकार शायद ही हिंदी का कोई कवि हो। इसलिए तुलसी बड़े हैं कि इन्होंने जितनी भाषाएं काव्य भाषाएं उस समय थी, क्योंकि खड़ी बोली नहीं थी तो खड़ी बोली नहीं लिखा उन्होंने, ब्रज अवधि दो पर लिखा, छंदों पर पूरा का पूरा अधिकार दिखाया उन्होंने। घनाक्षरी, सवैया, हरिगीतिका छंद, चौपाई, दोहा, बरवय, सारे छंदों को उन्होंने, यानी
कुछ छोड़ा नहीं, जैसे कि पूरा हिंदी साहित्य किसी तुलसीदास को पढ़ने का मतलब है कि हिंदी में जितने छंद लिखे गए हैं, जितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया है, अनुवाद किया है उन्होंने, जिनका राम कथा में जो प्रसंग लिया, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस राम कथा का क्या क्या लिया उन्होंने, क्या क्या चुना, और लोग आमतौर से कहते हैं कि हमारे देहात में चलता है कि बाल का आदि उतर कै अंता, बीच अयोध्या गांव ही संता। रामचरितमानस की जो भूमिका बांधी है उन्होंने, उतनी महत्वपूर्ण भूमिका, सब कुछ अपनी व्यथा कथा भी कह दी, सारी देवताओं को स्मरण किया उन्होंने, जो मंगलाचरण है जिस उठान के साथ रामचरितमानस होता है, ऐसी राम कथा, इधर और लोगों ने भी राम कथा लिखी, लेकिन राम कथा की इसलिए बाल का आदि कहा गया है। दर्शन संबंधी सारा उत्तरकांड काक भुसुंड गरुड़ संवाद के रूप में उन्होंने ज्ञान और भक्ति में क्या महत्वपूर्ण है, दोनों में क्या संबंध है, ज्ञान ही भक्ति नहीं कुछ वेदा उदय उभय हर उभय संभव खेदा, लेकिन भक्ति क्यों ज्ञान से श्रेष्ठ है, ये दिखाने के लिए काक भुसुंडी और गरुड़ दो को उन्होंने चुना, और दोनों को अंत में दिखाते हैं। और आजकल लोग दलित की बहुत बात करते हैं, गरुड़ देवताओं के वाहन थे, देवतुल्य थे, काक भुसुंडी नाम है कौआ है वो, तो कहाँ कौआ और कहाँ गरुड़, लेकिन तुलसीदास काक भुसुंडी को, क्योंकि वो भक्त थे, भले ही वो पक्षियों में शूद्र हो, लेकिन काक भुसुंडी को श्रेष्ठ दिखाया गरुड़ से, गरुड़ हारते हैं और काक भुसुंडी जीतते हैं। भक्ति क्यों ज्ञान से बड़ी है, ये पुराने जमाने में विवाद रहा है, परंपरा के सार में सूरदास ने भी ज्ञान और भक्ति का दिखाया है। दोनों को मिला करके आप देखें तो ज्ञान और भक्ति संबंधी जो विवाद है, सूर लिख चुके थे, बावजूद इसके तुलसी के रूप में काक भुसुंडी गरुड़ संवाद पढ़े, आप बाकी चीजों को देखें, दोनों के तर्क और युक्तियां और दर्शन का स्तर इसलिए अकेला एक कवि है जो ज्ञान की भूमिका पर भी और भक्त की भूमिका पर भी, आमतौर से समझा जाता है कि कृष्ण भक्ति में जो माधुर्य है वो शायद राम भक्ति में न हो, लेकिन उस भक्ति में कि पूरी इसके लिए नियोजन उन्होंने किया है, जो चित्रकूट सभा होती है वो पूरा का पूरा प्रकरण, इसलिए जिसे कहा गया कि बाल का आदि बालकांड की भूमिका और उत्तर का जो अंत है, जो दार्शनिक विवाद के रूप में होता है, क्योंकि कथा तो समाप्त हो गई थी, लंका से का युद्ध समाप्त हुआ, अयोध्या में लौट आए राम, इसके बाद कथा समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद उन्होंने जो पूरी चर्चा की है, दार्शनिक चर्चा, इसलिए इतना बड़ा चिंतक, कवि और चिंतक दोनों रूप में हिंदी में दूसरा कोई न तब हुआ था न उसके बाद कोई कवि हुआ है, इसलिए तुलसीदास की महिमा है ज्ञान में भी और भक्ति में भी, दोनों पर बराबर ध्यान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चित्रकूट सभा एक आध्यात्मिक घटना है, बीच अयोध्या गांव ही संता जो कहा गया है सर्वोत्तम कांड है, क्योंकि राम की कथा है तो अयोध्या में ही घटना है, जहां राम वनवास पर जाते हैं और भरत को गद्दी सौंप के जाते हैं, सबसे दुखद भी है राम के वनवास की घटना, क्योंकि कैकेयी ने यही मांगा था, इसलिए अयोध्या कांड
कि बीच अयोध्या गांव ही संता, उसमें सबसे चित्रकूट की जो घटना है जिसको कहते हैं कि आध्यात्मिक घटना है, वो पूरा प्रकरण समय नहीं है लेकिन आप लोग को कभी मिले। राम वन में है, भरत सभा लेकर के आते हैं, गुरु वशिष्ठ बैठे हुए हैं, भरत चाहते हैं कि राम लौट जाए अयोध्या, न जाए, माँ से गलती हुई, अपराध तो माँ ने किया और भुगत रहा है बेचारा भरत। वो पूरी सभा में जिस तरह से एक दरबार में जो मर्यादा होती है, चित्रकूट सभा पूरा का पूरा जैसे दरबार लगा हुआ है, सम्मेलन होता है, कैसे भरत से कहा जाता है कि तुम अब अपनी बात कहो, और राम उसका जवाब देते हैं। ये पूरा का पूरा प्रकरण समय नहीं है, लेकिन आप लोग सारे सारा रामचरितमानस छोड़ भी थे, जो चित्रकूट सभा जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि आध्यात्मिक घटना है, इसे वाल्मीकि में भी पढ़े आप और रामचरितमानस में भी पढ़े, दोनों में पढ़े तो चित्रकूट सभा का जिस प्रकार, क्योंकि वाल्मीकि जब लिख रहे थे तो राजनीतिक सभ्यता का विकास उतना दरबार जिसे कहते हैं जो मुगल दरबार के समय हुआ था, तो मुगल दरबार की जो मर्यादा होती है, जो राज्यसभा होती है, वो राज्यसभा आपको वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलेगी। वो राज्यसभा की मर्यादा कैसे भरत अपनी बात कहने के लिए खड़े हों उस पर भूमिका बाधी गई, फिर भरत खड़े हुए, फिर भरत कैसे कहते हैं, राम उसका कैसे जवाब देते हैं, और वो पूरा प्रकरण उदाहरणों के द्वारा ही समझाया जा सकता है, लेकिन चित्रकूट सभा नाम की चीज अंत में कैसे तय किया भरत ने कि ठीक है गद्दी तो आप ही की है, उस गद्दी पर मैं बैठूंगा नहीं, और किस तरह अंत में उन्होंने कहा कि आप अपने खड़ाऊं दे दीजिए, मैं खड़ाऊं रख करके राज कर लूंगा, ये कैसे फैसला हुआ तय हुआ सभा का, इसका पूरा वर्णन वाल्मीकि वो ऐसा नहीं है रामायण में जिस तरह का तुलसीदास ने अपनी रामायण में किया है, क्योंकि वाल्मीकि के समय वो ऐसा दरबार नहीं था जो मुगल दरबार था, इसलिए मुगल दरबार की जो कल्चर होती है, एक मर्यादा जो होती है उसे देखना हो। मैं नहीं जानता कि उस दौर में लिखने वाले शायरों ने किसी और लोगों ने फारसी में लिखा है कि नहीं, लेकिन तुलसीदास का की चित्रकूट सभा को पढ़ करके उस मुगल कल्चर की, उस दरबार की जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, उसमें राज्यसभा थी ही नहीं, इसलिए 16वीं शताब्दी का जो यानी अकबर के जमाने का जो दरबार हो सकता था, उस दरबारी कल्चर को जहां दिखाई पड़ता है कि दो संस्कृतियों का मेल होता है, उन दो संस्कृतियों के मेल में पूरा का पूरा आपको अयोध्या कांड पढ़ते समय लगेगा कि ये दरबार ये हिंदू युग के सभा का नहीं है, ये बार बार अनुभव आपको होगा कि ये पूरा का पूरा मुगल दरबार के कल्चर है, और यही वजह है कि उसमें भाषा जो दिखाई पड़ती है वो संस्कृत नहीं चलती है, बल्कि उसमें अरबी फारसी के सब शब्द ज्यादा इस्तेमाल किए गए, मिला करके आप देखें, जब मिला रहा था तो मैंने देखा कि उसमें तो इतने शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, ये तुलसीदास ने कहां से प्राप्त किया, रहने वाले थे बनारस के आदमी थे, बनारस में ऐसा वातावरण था नहीं, इसलिए उस संस्कृति का एक और दार्शनिक विवाद जहां होता है वो, और जीवन और जगत की जुड़ी हुई राजनीतिक समस्याओं का समाधान जिस तरह होता है उसे, इन चीजों को देखें तो पता चलेगा कि कैसे तुलसीदास ने अपने दौर में अपने जमाने के कवियों ने एक और भक्त की तन्मयता दृढ़ता और साथ ही अपने युग को राम कथा के माध्यम से व्यक्त करना, ये राम कथा
जो अतीत काल की वाल्मीकि के जमाने की कही हुई कथा को उन्होंने अपने दौर के मान में चुना। मैं जिसे कहें कि अध्यापकों के नाम सामने जो छात्र छात्राएं ही नहीं विद्वत जन यहाँ है, विद्वानों के सामने में संकेत ही काफी होते हैं। और जो पहले कहा ना कि पहले फिर आपको देखा होता, आप तो बहुत कम बोले हैं, तो आजकल ये पूरा पीरियड न लेकर के मैंने कुछ संकेत के रूप में कहा है कि तुलसीदास के रामचरितमानस को, और यूं आप मिलाइए कि राम कथा तो एक मुकम्मल कथा जिस रूप में है, लेकिन उन्हीं प्रसंगों को कवितावली में कैसे कहते हैं यार, तो मिला करके देखें कि छंद बदल ही नहीं बदलता है, बल्कि उस कथा का की भाषा और अंदाज बदलता है। हिंदी में कोई ऐसी तुलना नहीं हुई कि उन्हीं प्रकरणों को, खासतौर से कवितावली में रंग दूसरा है, इसलिए कवितावली में रावण के साथ युद्ध करते समय उस वातावरण पर जो चुनौती भरा स्वर होता है वहां जोर ज्यादा है, वहां अयोध्या पर नहीं है, वन वाले प्रकरण पर नहीं है। इसलिए कवित्व और सवैया इस्तेमाल करके दूसरे संदर्भ में, भाषा दूसरी है, छंद दूसरा है और प्रसंग दूसरा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक ही राम कथा वो कवितावली में भी वही कहते हैं और रामचरितमानस भी कहते हैं, दोनों में अंतर है मिला करके देखना चाहिए। भाषा ही नहीं बदलती है, कवितावली पूरा का पूरा ब्रज में लिखा गया, अवधि में नहीं लिखा उन्होंने। ब्रज का इस्तेमाल कहाँ करना है, अवधि का इस्तेमाल कहाँ करना है, इसका ध्यान रख करके प्रसंगों के वर्णन के बारे में उन्होंने भेद किया है। और विनय पत्रिका बिल्कुल दूसरे अंदाज में दूसरा छंद अपनाया है, इसलिए छंदों का चुनाव, भाषा का चुनाव, प्रसंगों का चुनाव, इन तमाम चीजों के बारे में जो काव्य विवेक है, शुरू में कहा कि वर्णानाम वर्षसंघानाम रसानाम छंदसापि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ, वाणी और विनायक दोनों की वंदना कर रहे हैं, सरस्वती की वंदना भी कर रहे हैं, और कायदे से होना चाहिए तो विनायक की वंदना तो होनी नहीं चाहिए। ये है संतुलन तुलसीदास का, इतना विवेकवान कवि के रूप में और भक्त के रूप में। आप देखें तो ये संतुलन, जिसे मैं हिंदी प्रदेश की विशेषता मानता हूं कि बंगाल की तरह से न गया भावुकता है, न महाराष्ट्र की तरह से बुद्धिवाद है, बल्कि हिंदी प्रदेश में बुद्धि और हृदय दोनों का जो संतुलन है, इसका प्रतीक अगर कोई कवि है तो तुलसीदास। कबीरदास एक अहरे हैं, एक बग्गा है जिसको कहना चाहिए, सूरदास एक बग्गा है, गोपियों का में दिखाया है उन्होंने उद्धव का और गोपियों का प्रेम और ज्ञान का की बहस चलाई है उन्होंने सूरदास ने, लेकिन एक और वो बहस और दूसरे रामचरितमानस वाली बहस को देखें, भक्ति ज्ञान कहाँ होता, तो दोनों में आपको साफ अंतर दिखाई पड़ेगा। यह जो मध्य देश का जो गंगा जमुनी कल्चर का प्रतीक है, ये गंगा जमुनी जो मध्य देश कहलाता है, इस मध्य देश की मानसिकता, भाषाई संस्कार, इन दोनों के संतुलन का प्रतीक ये हिंदी प्रदेश है। जैसा मैंने कहा कि न महाराष्ट्र की बुद्धिवादिता, न बंगाल की भावुकता, उच्छल भावुकता, इन दोनों से अलग, इस नाते तुलसीदास हिंदी प्रदेश की पूरी संस्कृति, मानसिक बनावट और पूरे व्यक्तित्व के प्रतीक के रूप में तुलसीदास है, और हिंदी में अकेले वही कवि है इस दृष्टि से। कबीर एक छोर पर हैं, तुलसी सूरदास दूसरे छोर पर हैं,
उनके बीच में ये आदमी इस प्रदेश की संस्कृति, मानसिकता और भाषा, और इसीलिए अकेला एक कवि है जिसने दोनों भाषाओं में लिखा, अवध का रहते हुए भी ब्रज पर भी लिखा, और साथ ही संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित। और कोई आदमी, अब भी मैं चाहता हूं कि काम करे, कितने अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग तुलसीदास ने किया, हिंदी में दूसरे किसी कवि ने, जायसी में भी नहीं मिलता है, कबीर में भी नहीं मिलता है। इन भाषाओं की दृष्टि से देखा जाए तो अकेले भाषा वैज्ञानिक अध्ययन तुलसीदास का होना चाहिए कि उन्होंने कितने अरबी फारसी तुर्की शब्दों का प्रयोग किया है, हिंदी में दूसरे कवि ने नहीं किया है इन भाषाओं का। इस नाते मुख्य आधार तुलसी का न उच्छल भावुकता, न शुष्क बौद्धिकता, इन दोनों के बीच एक संतुलन, एक व्यक्तित्व कायम किया है। इस नाते वो हिंदी प्रदेश के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं, भाषा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, दर्शन की दृष्टि से, और स्वयं साहित्य की दृष्टि से। ये भूमिका के रूप में कुछ शब्द मैंने आपके सामने कहे हैं।